अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मैं कराची सीयू में मौजूद हूँ और आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं एक इंडियन ब्लॉगर बनने वाला हूँ और पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन देखूँगा कि उनका रिएक्शन कैसा होता है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान नहीं जाते और हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान नहीं आते, तो लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दिखाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे आगे ये एक भाई बैठे हैं, मैं उनसे मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम भैया जी, कैसे हैं आप? हम हिंदुस्तान का एक ब्लॉगर हैं, दिल्ली से हमारा टारगेट है। तो वहाँ के लोग हैं ना, वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान में आपके लिए खतरा है, आप मत जाओ, लोग आपको मारेंगे पीटेंगे। लेकिन यहाँ पे आके हमको ऐसा नहीं लगा, यहाँ पे आके हमको लगा कि जैसे हमारे अपने घर के लोग हैं। तो हिंदुस्तान के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो वीडियोस बनाने के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग डरा रहे हैं कि पाकिस्तान मत जाओ, लोग मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसे तो कोई बात नहीं है यार, आप भी आए हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं यार, मैं भी यही दिखाने के लिए आया हूँ। पाकिस्तानी माशाल्लाह प्यार करने वाले लोग हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं मारता। सब लोग कहते हैं कहने की बातें, कोई ऐसी बात नहीं है। आप हमारे भाई हो, हमारे दिलों में हो। तो देखिएगा, तमाम हिंदुस्तानियों को ये मैसेज देना चाहेंगे हम कि पाकिस्तान के लोग इतने अच्छे हैं, ये खुद बोल रहे हैं कि आप हमारे भाई हो, आप यहाँ पे आ सकते हो, घूम फिर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना हिंदुस्तान में जो सोचते हैं कि पाकिस्तान के लोग ये हैं वो हैं। एक गलत इमेज बना हुआ है लोगों के दिमाग में ना। हिंदुस्तान के लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहोगे? यार उनकी अपनी सोच है, वो जैसी उनकी सोच। लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी ऐसे हैं, पाकिस्तानी ऐसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक कभी किसी के साथ, बिल्कुल हमें पता है, हमें पता है तो पाकिस्तान के लोग आप देख सकते हैं इतने अच्छे हैं। भैया जो खुद बोल रहे हैं कि आप हमारे भाई हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं दूसरे भी हमारे जो लोग हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप भी यहाँ आएँ, पाकिस्तान में इंजॉय करें। भैया जी थैंक यू, बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, दरअसल हम हिंदुस्तान से आए हैं, राम नाम है हमारा। असल में इंडिया में ना लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान आप नहीं जा सकते, हिंदुस्तान के लोगों को यही बोला जाता है कि पाकिस्तान में लोग आपको मारेंगे पीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं यही साबित करने आया हूँ यहाँ पे कि जो है ना हिंदुस्तान, पाकिस्तान ऐसा मुल्क बिल्कुल भी नहीं है, प्यार करने वाले लोग हैं। तो आप हिंदुस्तान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? वो लोग समझते हैं कि यहाँ के लोग बुरे हैं, ये वो, तो आप एक बता दें इनको। नहीं इधर बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हमको उर्दू सही नहीं आते, इसलिए नहीं। फिर भी आप नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, नहीं इधर कोई मतलब नहीं, हर किस्म लोग इधर आ सकता है। सही है, चलो तो बस इतना ही बोलना चाहोगे आप अपने मुल्क के बारे में लोगों को बता दो कि पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत गुड। तो देखा आपने कितने अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के, माशाल्लाह से बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। दरअसल भाई पठान थे और वो खुद हम्बली बोल रहे थे कि हमको उर्दू नहीं आती, हम पठान हैं। तो कोई बात नहीं, खैर इन्होंने जो मैसेज दिया वो यही दिया कि आ सकते हैं लोग, कोई मसला नहीं है। तो जितने भी इंडिया के लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में हमें जगह नहीं मिलेगी, तो देख सकते हो आप कोई कुछ नहीं कर रहा इस वक्त। इन लोगों की नज़र में मैं भी हिंदुस्तानी हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। भाईजान, भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। मेरा ताल्लुक इंडिया मनाली से है, मैं गिलगित बल्तिस्तान टूर पे आया था, तो वहाँ पे इस भाई के जरिए गिलगित बल्तिस्तान में चला जी। तो हमारे यहाँ ना लोगों को मतलब बोला जाता है कि पाकिस्तान के लोग बुरे हैं, खास करके हिंदुस्तानियों को हमें बोला जाता है, वहाँ पे मत जाओ, लोग आपको मारेंगे पीटेंगे। तो बहुत सारी सी बातें होती हैं, नेगेटिविटी फैलाती हैं लोग। तो यहाँ पर आके मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मुझे लगा कि जैसे अपने घर के लोग हैं, अपने भाई हैं। तो हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं जो मेरी तरह पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं देखें, ये बिल्कुल तसाद फैलाने वाली बात है कि इस मुल्क में ये है, उस मुल्क में ये है। क्राइम हर मुल्क में है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ क्राइम नहीं है। लेकिन हम उर्दू बोलने वाले हैं, इंडियन हमारे उर्दू बोलने वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बिल्कुल भाइयों जैसे हैं। और हम और इंडिया हमारे भी जानने वाले काफ़ी लोग हैं, तो हम वहाँ जाते हैं, हमें भी लोग बड़ी मोहब्बत देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। मैं खुद पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, मेरा ताल्लुक कराची से है, पाकिस्तान के शहर, और मैं खुद यूट्यूबर हूँ। तो मैं भी दुनिया को यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि यार मोहब्बत और भाईचारगी हम जितना बांटेंगे ना उतना फैलेगी, तसाद जितना फैलाएंगे उतना फैलेगा। तो हम अच्छे काम को क्यों ना जो है फोकस करें। और आपस में आप यहाँ आए, आपने देखा आप यहाँ खड़े हुए थे, मैंने आपसे पूछा आप कौन से रंग रूप नस्ल से हो, कुछ नहीं पूछा किसी ने, बल्कि आपने मुझसे सलाम किया, मैं आपके पास डायरेक्ट आया, मैंने आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। इसी तरह हम इंडिया में जाएँ, हमें भी अगर इसी तरह लोग जो है कॉम्प्रोमाइज़ करें मिलें, तो क्यों ना हम लोग आपस में मिलेंगे। ये जिन लोगों को फ़ायदा होता है ना, ये फैला के फसाद फैला के दहशतगर्दी फैला के, ये वो लोग काम करते हैं। जो लोग दिल में भाईचारगी रखते हैं वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप पाकिस्तान आए, वेलकम टू पाकिस्तान। अगर हमारी तरफ से कोई भी ज़रूरत हो तो आप हमारे लिए भाई हैं। अभी एक मैसेज में ना, एक मैसेज में हमने इंडिया के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, सबको आपने पाकिस्तान इन्वाइट करना है कि आओ, मतलब के मतलब एक प्यार का एक मैसेज दे लोगों को, अमन का एक पैगाम पहुँचाए लोगों को, एक मैसेज में आपने सबको बोलना है। देखिए जी, मेरा नाम दानिश है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है दानिश.com। तो मैं तमाम दुनिया के यूट्यूबर और बिलखसूस अपने इंडियन भाई
यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स को ये दावत देता हूँ, वेलकम करता हूँ कि वो पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान आके यहाँ की खूबसूरत वादियों को, खूबसूरत चीज़ों को, सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो हमारा यहाँ का है ना गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, बेहतरीन हमारे जो है शहर हैं, यहाँ आएँ, आप विज़िट करें, ब्लॉग बनाएँ, दुनिया से मिलें, आपको ख़ुद खुशी महसूस होगी इंशाल्लाह और अच्छा महसूस होगा। तो मेरी तरफ से आप सबको वेलकम, जब आना चाहें बिल्कुल दानिश आपके लिए हाजिर है और पाकिस्तान की पूरी आवाम का आपको अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अपने तमाम हिंदुस्तानियों को यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे लोग होते हैं पाकिस्तान के, इतने अच्छे लोग, आप देख सकते हैं हम दोनों बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं, कोई हमें कुछ नहीं कर रहा, इस भाई ने मुझे कोई चमाट नहीं मारी, कोई मुझे लात नहीं मारी। तो अमन का एक पैगाम भाई ने हमें दिया, हम तमाम हिंदुस्तानियों को, तो जितने भी इंडियन ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी पाकिस्तान आएँ और मिलकर एक मोहब्बत का पैगाम दें। थैंक यू सो मच। बहुत बिल्कुल, क्या नाम है भाई आपका? मैंने देखा इतनी देर हो गई बात करते हुए, अब तक इनसे नाम तक नहीं पूछा। भाई के चैनल का नाम danish.com है, भाई के चैनल में जाए सब्सक्राइब करें, भाई के चैनल में जाके देखें पाकिस्तान कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कराची को वीडियोस बनाई है, बिल्कुल बहुत वीडियोस बनाई हैं हम लोग, कराची की तमाम चीज़ों को हाईलाइट करते हैं और आप जैसे लोगों को तो बिल्कुल हाईलाइट करते हैं। इंशाल्लाह इस ब्लॉग के बाद मैं आपके साथ भी एक ब्लॉग बनाऊंगा। थैंक यू। तो मैं यही पे हूँ कराची में, ये ब्लॉग आ जाएगा आपकी न्यूज़ फीड में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो एक ब्लॉग हमारे साथ भी हो जाए। क्या कौन सा चैनल है आपका? एक है नाम भाईजान, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप भाईजान ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम सॉरी, असल में हमें एक सोशल एक्सपेरिमेंट करना था, तो ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था और आपने ये जो बातें की हैं ये तो बिल्कुल सीधा ठा करके दिल पे लगी हैं। थैंक यू सो मच इतना अच्छा मैसेज देने के लिए, पाकिस्तान को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, थैंक यू सो मच। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था और भाई के चैनल को danish.com मैं भी सब्सक्राइब करूँगा, आप भी सब्सक्राइब करोगे, इतना अच्छा मैसेज दिया है भाई। भाईजान सलाम अलैकुम, कैसे आप? जी मैं इंडिया मनाली से हूँ, जो मेरा दोस्त है आतिफ, इनके घर आया था तो मैंने सोचा मैं कराची में क्या हूँ, ये गिलगित से हैं। असल में हमारे यहाँ ना इंडिया में लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि पाकिस्तान के लोग बुरे हैं, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको लोग मारेंगे पीटेंगे, तो वहाँ पे ऐसे हमें डराया जाता है कि आप वहाँ पाकिस्तान मत जाओ। लेकिन मैंने ये फैसला लिया कि मैं पाकिस्तान जाऊँ और एक अच्छा इमेज दिखाऊँ लोगों को, अच्छा मैसेज हो। तो इंडिया के लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन उनको डराया जाता है, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? यही कि बोलना चाहेंगे कि नहीं आप लोग आए यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा, सब मिलजुल के रहते हैं। बिल्कुल, हिंदुस्तानी भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, पाकिस्तान के भाई हैं, वो भी हमारी इज्जत करते हैं, हम भी करते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पे आया हूँ और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से मेरे साथ बात कर रहे हैं। तो आप लोग, आपको ना अपने मुल्क के बारे में कुछ बताना है हिंदुस्तानियों को, ऐसा कुछ कि उन लोगों को ऐसा लगे कि वहाँ पर हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, बस कुछ अल्फाज में आप समझा दें। बस कोई खतरा वतरा तो वह नहीं है, लेकिन बस एक दफ़ा आप आएँ, खुद देखें, लोगों से मिलें, बातें करें। सही सही। और ये बताना चाहूँगा बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। थैंक यू भाई। आप वहाँ से हैं? हाँ, मनाली से। असल में मेरा दोस्त कहाँ है, ये दिल्ली से, तो मैं इसके यहाँ आया था तो मैंने सोचा फिर कराची लेके जाएंगे। हाँ बिल्कुल, करेंगे। हाँ फिर हाँ, चलो चैनल, चैनल ए के नाम है वो, यूट्यूब नाम सर्च करवा जाएंगे। क्या नाम है? ए के देखिए सर्च, ए के ब्लॉग घर जाके सर्च। सही सही। पाकिस्तान में आज हमको ठोक दिए थे ये लोग। तो देखा आपने पाकिस्तान के लोग इतने अच्छे हैं। वैसे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में भी मैंने देखा है कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो बहुत गलत दिखाया जा रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए, एक बहुत ही घटिया हरकत है इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के लोग असलियत ये है, पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, मतलब इन लोगों की नज़र में मैं इस वक्त इंडियन हूँ और मुझे कोई थप्पड़ नहीं पड़ रहा, कोई लात नहीं पड़ रही, इवन कोई गाली नहीं दे रहा, गाली तो दूर की बात, कोई गुस्से से बात भी नहीं कर रहा, सब अच्छे से बात कर रहे हैं। और आप लोगों को भी, हिंदुस्तानियों को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे आएँ, खुद आके अपनी आंखों से देखें, फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना इंडिया में, ऐसे लोग होंगे जो बातें फैलाते हैं कि नहीं यार पाकिस्तान के लोग बहुत ही एग्रेसिव हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे लोग हैं, मारते हैं पीटते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, मैं भी एक मुतनाज़ा जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान जो कि एक मुतनाज़ा इलाका है और एक आइनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम लोग भी यहाँ पे हैं, हमारे साथ भी ऐसा कुछ नहीं होता, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो यही कहूँगा कि दुनिया में शायद पाकिस्तानियों जैसे कोई लोग हों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पाकिस्तान का इमेज ख़राब करते हैं, हर मुल्क में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग, मेजोरिटी में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उनसे मिलकर आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि मैं एक अच्छे इंसान से मिल रहा हूँ। तो अभी और भी अगर लोग मिलते तो हम उनसे पूछते हैं। बाकी ये है कि शाम हो गई है, तो भाइयों और बहनों रात हो गई है, अभी हम और वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि GoPro में कोई फ्लैश लाइट नहीं लगा हुआ, तो अभी वीडियो हम नहीं बना सकते। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा जितने भी इंडियन व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पाकिस्तान आएँ, साथ में घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा कोई नहीं है कि पाकिस्तान में आप लोगों के लिए खतरा है। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के लोग कितने ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप पाकिस्तान ज़रूर आएँ, पाकिस्तान ज़रूर विज़िट करें,
और आप लोगों से जितने भी इंडियन ब्लॉगर्स हैं, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी ऐसे एक वीडियो बनाएं, एक्सपेरिमेंट करें ऐसा पब्लिक में, ताकि हमें भी पता चले कि हिंदुस्तान हमारे लिए सेफ है। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो उस ब्लॉग को लाइक करें, इस ब्लॉग पर कमेंट करें और उस ब्लॉग को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अमन का पैगाम हमने देना है, तो बगैर शेयर किए ये पैगाम आगे नहीं पहुँच सकता। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।